फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें पिंक विला ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि कल्कि 2898 एडी के मेकर इस फिल्म के रिलीज के पहले इस फिल्म का एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज करने वाले है, जिसमे हमें कल्कि के पूरे वर्ल्ड को दिखाया जाएगा और ज्यादा चांसेस है कि इस वीडियो में हमें इस फिल्म के मेन कास्ट यानी प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, अमिताभ बच्चन और कमल हसन के बारे में भी दिखाया जाए। और कहा जा रहा है कि इस एनिमेटेड वीडियो के लिए प्रभास खुद ही डब कर रहे हैं। अभी तक इस एनिमेटेड वीडियो की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि कल्कि का ये एनिमेटेड वीडियो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा और ज्यादा चांसेस है कि ये वीडियो हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिले। ऑफिशियल तो नहीं है, पर कहा जा रहा है कि कल्कि 2898 एडी पोस्टपोन हो चुकी है और अब ये फिल्म हमें 30 मई 2024 को देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि इस फिल्म के पोस्टपोन और इसकी नई रिलीज डेट को लेकर कल्कि के मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म कल्कि के बारे में? What is Project K? करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म किल के टीजर को रिलीज किया गया है। और बात करें इसके टीजर की तो किल का टीजर देखने में काफी दमदार लग रहा है, जिसमें हमें ब्रूटल एक्शन से भरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिल रही है। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर है, जहां इंडिया के ट्रेन में एक गोरखा ऑफिसर एक लड़की को बचाने के लिए 40 गुंडों से फाइट करता है। और किल के टीजर को देखकर लग रहा है कि इस फिल्म का पूरा एक्शन सीक्वेंस ट्रेन में होने वाला है। आपको बता दें किल एक एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर निखिल भट्ट ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें लक्ष्य के साथ तानिया मुखर्जी और राघव जुयाल लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म हमें 5 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको किल का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तो जैसा कि हमने कल के फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म रामायण के पहले पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कल से ही सोशल मीडिया पर रामायण के सेट से कई सारे फोटोज लीक हो रहे हैं और यूट्यूब के गाइडलाइंस के चलते मैं आपको यहाँ पर इन फोटोज को नहीं दिखा सकता, पर आप जूम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन फोटोज को देख सकते हैं। और वहीं कहा जा रहा है कि नितेश तिवारी के रामायण में हमें AR रहमान के साथ ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर हैंस जिकर का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आपको बता दें हैंस जिकर ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द डार्क नाइट और भी कई फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया है। तो डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म में हमें AR रहमान के साथ हैंस जिकर का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और वहीं कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी अपनी इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट 17 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन करने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर नितेश तिवारी और उनकी आने वाली फिल्म रामायण के बारे में? तो आज रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर उनकी आने वाली दो फिल्मों से उनके फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज किया गया है, जहां पर उनकी आने वाली फिल्म पुष्पा रूल से उनके कैरेक्टर श्रीवल्ली के फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज किया गया है। आप यहां पर इस पोस्टर को देख सकते हैं। और वहीं उनकी दूसरी फिल्म दी गर्लफ्रेंड से उनके फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज किया गया है। आप यहां पर इस पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें दी गर्लफ्रेंड एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर राहुल रविचंद्रन ने डायरेक्ट किया है। और वहीं रश्मिका मंदाना की ये फिल्म हमें तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि रश्मिका मंदाना की फिल्म दी गर्लफ्रेंड हमें 2024 में ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप रश्मिका मंदाना की इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट में बताएं। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुसलान के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। और बात करें रुसलान की ट्रेलर की तो रुसलान का ट्रेलर देखने में ठीक ठाक सा है, जिसमें हमें एक्शन से भरी एक सिंपल सी स्टोरी देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने इसके टीजर के टाइम कहा था कि रुसलान में हमें आयुष शर्मा के कैरेक्टर को देखकर पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ की याद आती है और ऐसा लगता है कि आयुष शर्मा ने इस फिल्म के लिए पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ को कॉपी कर लिया है। तो इसके ट्रेलर को भी देखकर आयुष शर्मा टाइगर श्रॉफ की तरह ही लग रहे हैं। तो देखना होगा कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म रुसलान कैसी होती है। आपको बता दें रुसलान एक एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर करण बुलानी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें आयुष शर्मा के साथ सुश्री मिश्रा और जगपति बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और आयुष शर्मा की ये फिल्म हमें 26 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी।
प्रतीक गांधी की आने वाली फिल्म दो और दो प्यार का ट्रेलर हमें 6 अप्रैल 2024 को देखने को मिलेगा। आपको बता दें, दो और दो प्यार एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर सिरसा ठाकुरता ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें प्रतीक गांधी के साथ विद्या बालन, इलियाना डिक्रूज और सेंधिल रामामूर्ति जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म हमें 19 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।